अब इस वक्त जरूरत है कि तुम पहले अपने मुर्शिद को देखोगे तुम्हारा मुर्शिद क्या है, कामल है या नाकस है। अगर तुम्हारा मुर्शिद नाकस है, यकीन करो तुम जो नमाजें यहां पढ़ते हो ये भी तुम्हारे काम नहीं आएंगी। तुम उसके आगे बिके हुए, तुम्हारी नमाजें उधर जा रही है ना, तो जिधर वो जाएगा उधर तुम। अगर तुम्हारा मुर्शिद कामल है तो अगर तुम गुनेगार भी हो तो वो जिधर वो जाएगा उधर तुम। नमाज नहीं भी पढ़ते हो फिर भी जिधर वो जाएगा उधर तुम। अब ले जाएगा ना भाई, मैं खरीदा हुआ जो उसने, तो जिसको खरीदा हुआ उसको साथ लेके जाना पड़ेगा ना। अब शिनाख्त होनी चाहिए कि मेरा मुर्शिद कामल है या नहीं, जरूरी है ना। अच्छा, कामल कौन सा होता है? ये जो तुम्हारे अंदर की मखलूकें हैं, ये जब अल्लाह अल्लाह करती हैं, अल्लाह अल्लाह के नूर से इनकी परविश होती है, तब जब नूर से होते हैं वह नूरियों की तरफ भागती हैं, सबसे पहले हुजूर पाक के कदमों में पहुंचती हैं। ये चीजें तुम ही जाओगे, तुम्हारे अंदर की चीजें वहां पहुंचेंगी, फिर तुमको शिनाख्त हो जाएगी। अब लोग कहते हैं हुजूर पाक का यातन नबी है, तुम कहते होंगे देखा ही नहीं है, और दूसरा कहता नहीं खत्म हो गए खत्म हो गए, तुम कहते खत्म हो गए होंगे देखा जो नहीं है। फिर जब उनके कदमों में पहुंच जाओगे उनको देख लोगे, फिर तुम कैसे कहोगे खत्म हो गए? फिर तुम्हारी वो गर्दन भी उतार देते हैं, मैंने खुद देखा भाई, मैं कैसे कहूंगे खत्म हो गए। फिर ये तुम्हारी चीजें सीधी रब को प्रवास करेंगी। वो जो तुम्हारा अल्लाह है, सबका एक ही अल्लाह है ना, तुम्हारा भी अल्लाह वही, हमारा भी अल्लाह वही। जब तुम्हारे अंदर मनोहर हो जाएगा तो उसी तरफ जाएगा ना, जब अल्लाह की तरफ जाएगा ना ये चीजें जाएंगी, तो फिर जहरी जिस्म से हुज़ूर पाक पहुंचे और इन मखलूकों से वली वहां पहुंचते हैं, फिर एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, फिर अल्लाह ताला उसको फरमाता है मैं तुझे देख लूं तो तू मुझे देख ले। एक दूसरे को देखते हैं, प्यार से देखते हैं, फिर अल्लाह का नक्शा उसकी आंखों में आता है, आंखों से दिल में जाता है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता अब तू नीचे चला जा, अब जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। अब जिसने फिर उसको देख लिया प्यार से, वो नहीं अबू जहल की तरह नहीं देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरह जिसने देख लिया, फिर उसके लिए सुल्तान साहब ने फरमाया मुर्शिद दा दीदार बहु मैनू लख करोड़ा हज जा, कि मैं लख करोड़ दफा हज पे जाऊं अल्लाह वहां तो नहीं मिलता ना, तो यहाँ इसके दीदार से अल्लाह इसके अंदर। अगर ऐसा मुर्शिद तुमको मिल गया तो फिर जैसे भी हो सुल्तान साहब ने फरमाया आप ही लासी सारा हूँ, वो सब मुर्शिद फड़े आप ही लासी सारा हूँ। लेकिन अब तुम्हें शिनाख्त नहीं है ना, क्या पता तुम्हारा मुर्शिद अल्लाह वाला है, जिन्हें अल्लाह वाला होता अपना। अब जिस तरह चोर को चोर पहचानते ना, वली को वली पहचान। यकीन करो तुम एक चोर पिंडी का वहां बिठा दो, पिशावर का यहां बिठा दो, एक दूसरे को जानते नहीं है लेकिन उनकी नजरें टकराएंगी, वो समझ जाएगा कि मेरा हम पेटी भाई। अगर तुम्हारे अंदर नूर है तो फिर दिल दिल से टकराएगा। तो तुम किसी दरबार में चले जाना, तुम्हारे अंदर नूर पैदा हो गया, किसी दरबार में चले जाओ, वहां भी नूर यहां भी नूर आपस में टकराएंगे, रिकत पैदा हो जाएगी, रिकत तेज हो जाएगा ना, समझ जाएंगे कोई वली अल्लाह है। दूसरी दरबार पे जाएं किसी, ऐसे ही होगा ना, फिर अपने मुर्शिद के पास चले जाना। अगर वहां जाकर भी टकराव होता है, रिकत होती है, तो तुम्हारा मुर्शिद काम पर गया। अब पक्का यकीन है आप उसके ऊपर जरा भी शक तुम्हारे को कुफर में ले जाएगा। अल्लाह नहीं समझे, जरा भी शक जो है ना तो तुमको कुफर में ले जाएगा, क्योंकि अब तुमको प्रैक्टिकल हो चुका कि मेरा मुर्शिद अल्लाह वाला है, उसमें अल्लाह है, बहुत बेखौफ हो जाते। लेकिन बार बार उसके पास जाता है, बार बार जाता है तो कुछ भी नहीं होता है, तो फिर कुछ भी नहीं है ना। उस वक्त सुल्तान साहब ने फरमाया बेहतर है कि उसको बोरी में बंद कर तो दरिया में बहा दे। वो उन चीजों का कातिल है जिन चीजों से हमने अल्लाह को पहुंचना था, जिस्म से हमने अल्लाह को नहीं पहुंचना था, वो जिस्म के जो अंदर रूह है उनके जरिए हमको अल्लाह ने पहुंचना था ना, तो उसने तो उनको खत्म ही कर दिया ना, कितना बड़ा वो मुजरम है। तो फिर जिधर वो जाएगा उधर तुम
रिश्वत लेने वाला भी मुजरम और देने वाला भी मुजरम। जरूरी है कि पहले इन लोगों की शनाख्त हो,